तो ऑब्जेक्टिव था इसका टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन अगेंस्ट अ फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टन मार्केट कंडीशन. ठीक है, एलिजिबिलिटी थी कि सीनियर सिटीजन ओनली, इंडिविजुअल्स हु हैव कंप्लीटेड अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज. सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं, गारंटीड पेंशन स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. इट प्रोमिसेस रेगुलर पेंशन पेमेंट एट अ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली फ्रीक्वेंसी इन रिटर्न फॉर एन अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कॉल्ड अ परचेज प्राइस. ठीक है, इट सेट्स अ मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 1.56 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली. तो एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है इन्वेस्टमेंट पे. द स्कीम गारंटीज पेंशन पे आउट फॉर 10 ईयर्स विद अ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी. ठीक है, मेच्योरिटी पे रिटर्न मिलेगा. सब्सक्राइबर्स गेट एन अश्योर्ड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1,000 to 12,000 पर मंथ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सीलिंग ऑफ मैक्सिमम पेंशन इज फॉर अ फैमिली एज अ होल. The family will comprise of pensioner, his or her spouse and dependents. Should the investor die within 10 years, beneficiaries will get back principal. The scheme enjoys no tax benefit except for GST exemption on principal. ठीक है, premature exit with a 2% penalty on principal is allowed in case of critical or terminal illness of self or spouse. ठीक है, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 policy years. मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी 75% ऑफ परचेज प्राइस. ठीक है, रीसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, स्कीम्स का रिटर्न हैव बीन अलाइंड टू दैट ऑन द पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन का सेविंग स्कीम विद अ कैप ऑफ 7.75%. इट विल बी रीसेट एवरी ईयर. Initially, it provided an assured pension based on guaranteed rate of return of 8% for 10 years. The scheme was set to expire in March 2020. However, it was modified and extended up to 31st March 2023. Okay. So, summarize mein ye social security hai during old age. Iske एज लिमिट है कि इंडिविजुअल्स शुड हैव कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ एज. गारंटीड पेंशन स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. स्कीम गारंटीज पेंशन पे आउट फॉर 10 ईयर्स विद अ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी. सब्सक्राइबर्स गेट एन अश्योर्ड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1,000 to 12,000 पर मंथ. Ceiling of maximum pension is for a family as a whole. The family will comprise of pensioner, his or her spouse and dependent. ठीक है, beneficiary will get back principal. The scheme enjoys no tax benefit. ठीक है, और premature exit भी ले सकते हैं, तो 2% penalty लगेगी. Loan facility भी available है after completion of 3 policy years. ठीक है, और रीसेंट चेंजेस ये है, द स्कीम्स रिटर्न हैज बीन अलाइन टू दैट ऑन द पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन का सेविंग स्कीम. ठीक है, इट विल बी रीसेट एवरी ईयर. और ये मार्च में होने वाली थी बट एक्सटेंड कर दिया ड्यू टू कोरोना. ठीक है, किसी और को कुछ है, मैक्सिमम लोन दैट कैन बी बोले. ये है जो मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड. कहाँ पे पहले, हाँ नीचे करना ये वाला लाइन. लोन फैसिलिटी कह रहे हो, मैक्सिमम लोन दैट कैन बी लोन फैसिलिटी. तो उसका मतलब ये हुआ, अगर हम 2 लाख का अगर मेरा पॉलिसी है तो उसका 75% ले सकते हैं लोन में, ऐसा है क्या? किसी को पता है इसके बारे में? हाँ, यही होगा ना, मतलब कि 75% जो उसने परचेज किया होगा उसने,
परचेज प्राइस तो वेरी करती है ना सबकी अपनी अपनी, 1.5 से 5-6 लाख से 15 लाख के बीच में। 15 लाख। हाँ हाँ वही कह रही हूँ, अगर मैंने 2 लाख का लिया है तो उसका 75%, सही है सही है, वही होगा मतलब इसमें। वो एज अ कोलैटरल, और फिर 75% उसका लोन मिल सकता है, यही कह रहा है ना। हाँ सही सही। हाँ मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या है इसका, मतलब मैच्योरिटी कब होगा ये स्कीम? 10 साल बाद 10 साल बाद बोल रहा है, ऊपर है लिखा तो शायद, इसमें लिखा है ना, हाँ द गारंटी पेंशन पे गारंटी आउट फॉर पेंशन टेन पे आउट इयर्स फॉर 10 ईयर्स। हाँ 10 साल के लिए। चलो मतलब जैसे मैं आज, जैसे आज कोई खरीदता है तो उसको अभी से स्टार्ट हो जाएगा या फिर जो पेंशन मिलना कब स्टार्ट होगा, और एक साल मैच्योरिटी के बाद बाद ही तो पूरा होगा। प्रिंसिपल वापस आ जाएगा? अच्छा, और मैच्योरिटी के बाद आप पूरा प्रिंसिपल वापस ले सकते हो, राइट? हेलो। हाँ सही बोल रहा है। अच्छा ठीक, वैसे भी देखो ना, अगर तुम एग्जाम्पल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो शुरुआत से ही, तो तुम्हें हर महीने अगर तुम लेते हो 100 हजार रुपए मिलेगा पेंशन आपको हर महीने, तो 10 लाख का कोई भी किसी भी एफडी में आप डिपॉजिट करोगे तो 10 लाख का कुछ ना कुछ बन जाएगा आपका, 1000 तो ज्यादा ही बनेगा आपका एक महीने का। तो मतलब वो पेंशन मिलती रहती है 1000 1000, अगर जिसमें आप मतलब ऑप्ट करते हो उसमें, तो जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तुरंत ही आपको मिलने लगेगी पेंशन मेरे हिसाब से इसमें। 1000 तो मतलब मिनिमम लिमिट है ना, 1000 से मिनिमम 12000 कुछ ऐसा ना, तो अगर आप डेढ़ हाँ लाख कर 1.5 लाख वाली लेते हो तो आपको 1000 से स्टार्ट होगा। हाँ हाँ वही वही सही बात है। ठीक, आगे पढ़ो क्या हुआ। हेलो कोई है नहीं क्या? अदिति यार संजय कोई मैं पढ़ देता हूँ, दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ दिख रही है। शेयर कर दूँ। ठीक ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑब्जेक्टिव है इसके, टू फैसिलिटेट, स्टार लगवाए तो मतलब कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, टू ऑब्जेक्टिव लोन्स फ्रॉम, अरे सॉरी सॉरी, 1 सेकंड ना। कोई शेयर कर सकता है क्या स्क्रीन? मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप। दादा प्लीज कर दो। ना ना मेरे में नोटिफिकेशन बहुत बेकार आते रहते हैं तो मैं करूंगा नहीं। हाँ ऑफ कर लेना नोटिफिकेशन। ठीक है, किसी के साइट में खोल लो ना एक बार, पीडीएफ चलते हैं। रुक जाओ मैं करती हूँ, लेकिन मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मैं बता रही हूँ पहले, ठीक है? कोई होता किधर से है? प्रेजेंट करना होता है, एक आइकन होगा। जब तक नीति आ रही है तब तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम पढ़ लेते हैं। तो टू फैसिलिटेट लोन्स फ्रॉम
scheduled commercial bank of value between 10 lakh to 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and one woman borrower per bank branch, ठीक है, for setting up a greenfield enterprise in agri allied activity, manufacturing, service or trading sector, ठीक है. तो इसकी eligibility है कि SC, ST और women entrepreneur aged 18 years or above, in case of non individual enterprises at least 51% of shareholding and controlling stake should be held by either an SC ST or women entrepreneur, aur sirf isme greenfield project honge, aur borrower should not be in default to any bank or financial institution. Borrower shall be required to bring in minimum of 10% of project cost as मुझे तो नहीं दिख रही, किसी को दिख रही है? अब दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है बट पीडीएफ नहीं खुला अभी तक. रुक जाओ, लो भाई अब इसको दिख रही है नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा है लेकिन पीडीएफ ओपन नहीं हुआ अभी तक. नहीं मैंने खोल तो दिए, क्या क्या विजय या अक्षय जो भी. यार कोई कर लो, हाँ दीप्ति कर लो, मैं बंद कर रही हूँ. कोई कर सकता है फॉर 20 मिनट्स? मैं ट्राई करती हूँ इसको, एक मिनट. थैंक यू. पाँच मिनट्स लोग ट्राई कर लो, 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है. दीप्ति रॉक्स, चलो आपने दिया होगा तो एमी एबल, थैंक यू. अरे पेज नंबर बताइए. 45 अराउंड होगा कुछ, 49 आई गेस. हां 45, राइट. ये पूछे को गाइस पीडीएफ पेज नंबर बताइए. 41 ट्राई 49 या 50 अराउंड. ओके या स्टैंड अप दिस, ठीक है. हम ये स्कीम पहले देख चुके हैं क्या, स्टैंड अप इंडिया? स्टार्टअप इंडिया देखे ना अपन लोग, स्टैंड अप इंडिया देखे हैं दो तीन, जब से स्कीम आई है 2-3 साल से.
रुको स्टार्ट। कोई पढ़ रहा है क्या? आप पढ़ लो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टार्टिंग से शुरू करना है। Objectives to facilitate the loans from scheduled commercial banks of value between rupees 10 lakh and rupees 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and one women borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise in agri-allied activities, manufacturing services or trading sector. Eligibility SC, ST and or women entrepreneur aged 18 years or above. In case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC, ST or a women entrepreneur. Only greenfield project, which are the first time ventures, are eligible. Borrower could not be in default to any bank, financial institution. Borrower shall be required to bring in minimum of 10% of the project cost as own contribution. Salient features are: government does not allocate funds for loans under the Stand Up India scheme. Loans under the scheme are extended by all the branches of the scheduled commercial banks as per the commercial parameters. Board approved policies of respective banks and extant RBI guidelines. An amount of rupees 500 crore each was however released by government in financial year 2016 and 17 and financial year 2017-18 and rupees 100 crores in financial year 2020-21 towards the corpus of the Credit Guarantee Fund for Stand Up India scheme. Steps taken by the government for effective implementation of the scheme are: provision for submission for online applications by potential borrowers through www.standupmitra.in.portal. Handholding support, intensive publicity campaigns, simplified loan application forms, credit guarantee scheme, convergence with state and central government schemes wherever feasible, reduction in margin money and inclusion of activities allied to agriculture, etc. The loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. The rate of interest would be lowest applicable rate of the bank for that category, rating category, not to exceed bank's base rate, MCLR plus 3% tenor premium. Besides primary security, the loan may be secured by collateral security or guarantee of Credit Guarantee Fund scheme for Stand Up India loans, as decided by the banks. The offices of SIDBI and NABARD are designated as stand-up connecting centers who will arrange for the support required. SIDBI is a refinancing agency. It also provides for creation of a credit guarantee mechanism through the National Credit Guarantee Trustee Company, NCGTC. Recent changes are: the scheme has been extended up to the year 2025. The margin money requirement for loans under this has been reduced from up to 25% to up to 15%. Ma, ek minute. Activities allied to agriculture have been included in the scheme. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो prelims oriented important fact है कि banks to facilitate loan की facility दी गई है 3 category SC, ST and women के entrepreneurs के लिए, जिसकी limit है 10 lakh से लेके 1 crore तक, और ये सिर्फ eligible है इसमें greenfield projects, मतलब जो एकदम completely new projects हैं, brownfield exempted है, मतलब इसमें नहीं आएंगे. And second thing which we have to realize is कि अगर individual को हटा दिए, अगर किसी group में दे रहे हैं, तो जो shareholding होनी चाहिए SC, ST या women की total, एटलीस्ट 51% उस एंटरप्राइज में इनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो भी एलिजिबल हैं. एंड डिफॉल्टर्स को नहीं मिलेगी ये फैसिलिटी, और मिनिमम जो ये हैं, इन्हें खुद 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बेयर करना होगा.
फीचर्स में क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी फंड नहीं एलोकेट करेगी, बट ब्रांचेस को बोला गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि दे विल प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी टू दीज थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल एंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 करोड़ ईच वॉज हावर, बट एक्सेप्शन था शायद से 2016, 17 and 17, 18 में गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, बट वो इनडायरेक्ट वे में दिया था. उन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड को जो बनाया गया है, इसमें कॉर्पस बनाया गया है, उसमें गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था 2016-17 और 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में. बाकी लोन की ड्यूरेशन है 7 साल और इसमें 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड, मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा इंटरेस्ट पेमेंट में. एंड इसमें जो रेट है MCLR, जो बैंक का रेट होता है, शायद से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है, वो रेट होता है इससे कम रेट पे बैंक्स किसी को भी लोन नहीं देती हैं. तो इन्होंने वो मिनिमम रेट भी स्पेसिफाई कर दिया है कि वो MCLR जो उनका बेस रेट है उसमें 3% और जोड़ के, मतलब उससे ज़्यादा ये लोन नहीं, मतलब चार्ज नहीं कर सकते इंटरेस्ट रेट. और इसमें SIDBI एंड NABARD ये कनेक्ट सेंटर्स होंगे जो कि पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. और SIDBI रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी वो होती है जो कि आपका लोन अगर आप रेप्यू नहीं कर पाते हो, आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपके लोन को वो रीस्ट्रक्चर करती है, उसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक तरह से वो नया लोन की तरफ रिपीट करते हैं. तो उसकी रीफाइनेंसिंग का काम SIDBI करेगी. बाकी SIDBI एंड NABARD दो हैं जो असिस्टेंस या सपोर्ट सेंटर की तरह काम करेंगे. और एक फंड बनेगा जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी एंड इट इज़ अ कंपनी. एंड स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक. और मार्जिन मनी जो पहले 25% दी जाती थी, जो कि सिक्योरिटी मनी होती थी, अब उसको घटाकर कोविड या ये डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उसको 15% कर दिया है. और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर और शायद से अलाइड एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं स्कीम में. और इसमें एक जगह प्राइमरी सिक्योरिटी की बात की गई है MCLR वाले पॉइंट के नीचे. तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा द लोन में बी सिक्योर्ड बाय अ कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम. तो इसमें प्राइमरी सिक्योरिटीज तो जो आपका मेन प्रोजेक्ट होता है या बिजनेस होता है उसी को ही बोलते हैं. बाकी बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम इसको पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 46 है, जो कि DPSP है, जो प्रोवाइड करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, उसको भी यहाँ कोट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग. वायबिलिटी गैप फंडिंग मीन्स अ ग्रांट वन टाइम और डेफर्ड प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फॉल शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी. द लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी यूजुअली अराइजेस फ्रॉम लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स एंड द इनएबिलिटी टू इंक्रीज यूजर चार्जेस टू कमर्शियल लेवल्स. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सटर्नैलिटीज दैट आर नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड इन डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न्स टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर. Through the provision of a catalytic grant assistance of the capital cost, several projects may become bankable and help mobilize private investment in infrastructure. Salient features are, initially the scheme envisages financial support to public-private partnerships in infrastructure. Recent changes, in November 2021, the scheme has been extended till 2014-25 with total outlay of rupees 8,100 crores. Also, the scheme has been revamped with the insertion of the following two sub-schemes for mainstreaming private participation in social infrastructure. Sub-scheme 1, it caters to social sectors such as wastewater treatment, water supply, solid waste management, etc. Projects under this category should have 100% operational cost recovery. The central government will provide maximum of 30% of total project cost of the project as viability gap funding, and the state government
स्पॉन्सरिंग सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टैट्यूटरी एंटिटी मे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट अप टू 30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. सब स्कीम टू, दिस सब स्कीम विल सपोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन पायलट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट. The projects may be from health and education sector where there is at least 50% operational cost recovery. In such projects, the central government and the state governments together will provide up to 80% of total capital expenditure and up to 50% of operation and maintenance cost for the first 5 years. The central government will provide a maximum of 40% of the total project cost of the project. In addition, it may provide a maximum of 25% of operational cost of the project in first 5 years of commercial operations. ठीक है, viability gap funding here it means कि infrastructure projects में कभी कभी पैसे की कमी की वजह से वो पूरा complete नहीं हो पाता है, तो उस gap की funding का government ने सोचा है. एंड क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्सटर्नैलिटीज एंड रिस्क होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं होते हैं, जिसमें आप एक जेस्टेशन पीरियड की बात की गई है, जो कि होता है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है और प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने तक जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, इसीलिए इनको कॉस्ट की कमी पड़ जाती है क्योंकि रिटर्न तब तक आ नहीं पाते हैं. तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक कैटेलिटिक की तरह वो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं. तो सिंस अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा तो इससे शायद से यहाँ पे लिखा जाता है सोशल फर्स्ट पॉइंट है द स्कीम एनविसेजेस फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये चीज़ भी फैसिलिटेट हो पाएगी. एंड इसमें रिसेंट चेंजेस ये हुए हैं कि इसको एक्सटेंड किया गया है 2025 तक के लिए और इसका आउटले या एक्सपेंडिचर 8,100 करोड़ है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंकरेज करने के लिए ही ये चीज़ की गई है. इसमें दो स्कीम्स हैं, दो सब स्कीम्स हैं. जो पहली वाली है सब स्कीम, वो मेनली वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से डील करती है, जहाँ पे 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी है. इस वाले सब स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट 30% प्रोवाइड करेगी प्रोजेक्ट के कॉस्ट का और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप टू 30% वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड सब स्कीम टू में ये मेनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में है, जहाँ पे 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी है. इन सच प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 80% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोवाइड करेगी एंड अप टू 50% ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 5 years. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ये मुझे लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आ रही है, किसी को समझ में आई हो तो बता दो. सेंट्रल विल प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ ऊपर की मनी. हाँ ऊपर की. हाँ आई थिंक इसमें ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दैट इज डिफरेंट, ठीक है, एंड द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट थिंग इज डिफरेंट, ठीक है. तो ऑपरेशनल कॉस्ट उसका ऑपरेशन करने में या जो मेंटेनेंस करने में जो पैसा खर्च होगा उस पर्सपेक्टिव में, तो इनिशियल जो है के बाद आएगा ना ये. जब कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद जो मेंटेनेंस का पैसा लगता है उसको वो गवर्नमेंट फंड करेगी. हाँ 80% तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कर देगी और 50% ऑपरेशंस के खर्चे करेगी. बट ये लास्ट में फिर से लिखा है ना द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ 40%. जब ऊपर 80% दे दिया है एडिशन में. अच्छा इन एडिशन. वो एडिशन में, इन एडिशन एक्स्ट्रा में. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी. ऑपरेशनल कॉस्ट इज बेसिकली के जो जैसा हम बजट में देखते हैं ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इन द सिमिलर वे जब ऑपरेशन कर रहा है अगर उसके अंदर पूरा जितना लगा है पैसा उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर मतलब जनरली देखें अगर वो लॉस मेकिंग हो रहा है तो जितना वो लॉस है उसको कवर करने के लिए वो इंश्योर करेगा कि वो लॉस पूरी तरह कवर हो जाए और
वो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको उतना वो फंड कर देगा, ठीक है, जितने का लॉस हो रहा था या जितना का डेफिसिट पड़ रहा था ऑपरेशनल कॉस्ट में उसको वो पूरा कर देगा, ठीक है। तो पहले वाले स्कीम में जहाँ वाटर ये सब वहाँ तो 100% करेंगे, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में सिर्फ 50% का ही वो करेंगे रीइंबर्स या करेक्ट। ये बेसिकली सोशल सेक्टर्स को फंड करने का सिग्निफिकेंस ये है, इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग, मतलब व्हाई दे गैप फंडिंग कर रहे हैं। ओके अच्छा, मतलब दो तरह का कॉस्ट कर सकते हैं आप, एक तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट और एक ऑपरेशनल कॉस्ट, राइट। तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में तो कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अगर ऑपरेशनल कॉस्ट में आपको मतलब लाइक प्रोजेक्ट आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट नहीं करता है तो उस केस में आपको रिकवरी देंगे ऑपरेशनल के लिए, राइट। उड़ान स्कीम था ना, उसके अंदर भी सेम चीज देखा था, वहां पे भी वायबिलिटी गैप फंडिंग था, तो उसमें क्या हो रहा था कि आपके पास जो प्लेन है उसपे एटलीस्ट 50% सीट जो है वो आपको 2500 रुपीज में देनी है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि उस कॉस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल ना पड़े, तो या फिर ऐसा हो सकता है उस स्पेसिफिक एयरपोर्ट को मेंटेनेंस में रखने के लिए उतने पैसेंजर आ भी नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट टू फॉर दैट कि वो एयरपोर्ट चलता रहे फंक्शनल रहे ऊपर से पैसा देगा, मतलब वो वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगा कि इतना पैसा तो आपको मिले ही कि आपका अपना ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। और हेल्थ और एजुकेशन में 80% कैपिटल का भी दे रहे हैं, सिर्फ ऑपरेशन में नहीं है। आई थिंक वो पायलट भी है ना सब स्कीम वाला टू। ठीक है, मिसेलेनियस इनिशिएटिव्स पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। It was announced in 2019 allowing public sector banks to purchase high rated pooled assets from financially sound NBFCs and housing finance companies. As a part of its Atmanirbhar initiative, the scheme was extended to cover primary market issuance of bonds by NBFCs, housing finance corporations and microfinance institutions with low credit ratings. The idea was to provide liquidity support to institutions with low credit ratings and ensure continuity of credit support to small businesses which were the worst hit during the COVID-19 outbreak. Under PCGS2, the center provided 20% first loss sovereign guarantee to public sector banks, resulting in liquidity infusion of rupees 45,000 crores into the system. The scheme covered papers with ratings of AA and below, including unrated papers, aimed at providing access to fresh liquidity support to non-bank lenders. Mainly, शायद से जो NBFC crisis से लोगों का trust कम हो गया था, तो लोग उसमें मतलब लोग उसमें वहाँ नहीं कर रहे थे invest. तो फिर government ने banks को बोला कि आप उनके papers या आप जो उनका securities हैं आप खरीद लो ताकि उनको कुछ funds मिले. बिकॉज NBFCs और ये माइक्रो और ये हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ये हेल्प करते हैं छोटे बिजनेसमैन को या MSMEs को, तो उनको लिक्विडिटी की कमी हो रही थी जिस वजह से वो लोग क्रेडिट नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए बैंक्स को बोला गया कि आप उनकी सिक्योरिटीज़ खरीदो ताकि उनके पास लिक्विडिटी आए एंड क्रेडिट क्रिएशन हो सिस्टम में, जिसकी वजह से शायद से 45,000 करोड़ रुपये सिस्टम में आए और ये जो नॉन बैंक लेंडर्स हैं ये NBFC और ये इनकी लिक्विडिटी या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ी। और इसमें सेंट्रल ने 20% मान लो अगर वो जो सिक्योरिटीज खरीदी थी वो NPA होती हैं या उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसमें 20% जो स्टार्टिंग का है उसमें गवर्नमेंट ने गारंटी ली है लॉस की, बैंक्स को देंगे कवर करेंगे। इसमें तो इतना ही लगा मुझे। नहीं, मतलब ऐसा हो चुका है, ये ऐसा हो चुका है और उसी की वजह से 45,000 करोड़ गवर्नमेंट ने डाले हैं सिस्टम में, मतलब कि जो भी 20% को कवर करने के। हाँ, ये स्कीम है। राइट। अदर स्कीम्स इन न्यूज़, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी हैव। हाँ बोलिए। हाँ, ये बोल रहा था कि उसमें हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स हैं, मतलब कि कोई ऐसे ही मतलब NBFC की जो भी जो उनकी सिक्योरिटीज होंगी वो हाई रेटेड होंगे, मतलब ऐसे नहीं कोई भी NPA वाली नहीं होगी। ओके,
क्योंकि नीचे इसमें लिखा है ना जो पेपर्स हैं ये कमर्शियल पेपर्स जो कैटेगरी होती है ना डबल ए ट्रिपल ए ए ओके हाँ रेटिंग सर ए रेटिंग वाले होंगे ऐसे कुछ अच्छा अच्छे वाले ठीक है नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री ऊपर लिखा है ना ऊपर हाई रेटेड हाँ राइट थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना Recently, the ministry announced that the scheme has played a significant role in financial inclusion of women. About 68% account under the Mudra scheme since the inception of the scheme till Feb 2021 is held by women beneficiaries. Objective is increasing access of finance to the unbanked but also bring down the cost of finance from the last mile financiers. To the micro small enterprises, most of which are in the informal sector. Intended beneficiaries are any Indian citizen who has a business plan for a non-farm sector income generating activity, such as manufacturing, processing, trading, or service sector, and whose credit need is less than rupees 10 lakhs. Salient features are For implementing the scheme, government has set up the Micro Units Development and Refinancing Agency Limited, Mudra. Mudra is registered as a company under the Companies Act 2013 and as a NBFC with the RBI. Mudra has been initially formed as a wholly owned subsidiary of Small Industries Development Bank of India, SIDBI, with 100% capital being contributed by it. Presently, the authorized capital of Mudra is 1,000 crores and paid up capital is 750 crores, fully subscribed by SIDBI. Mudra supports the finance institutions which are in the business of lending to micro, small business entities engaged in manufacturing, second, trading, third, service activities. Mudra loans are extended by banks, NBFCs, microfinance institutions, and other eligible financial intermediaries as notified by Mudra Limited. The funding support from Mudra are of two types. First is micro credit scheme for loans up to 1 lakh finance through microfinance institutions. Second is refinance scheme for commercial banks, regional rural banks, small finance banks, non-NBFCs. The present authorized capital of Mudra is rupees 5,000 crores with a paid up capital of rupees 1675.93 crores. RBI has allocated an amount of rupees 20,000 crores from priority sector shortfall of commercial banks for creating a refinance corpus fund. Three types of loans to be allotted by Macro Units Development and Refinance Agency banks are Shishu, covering loans up to rupees 50,000, Kishore covering loans above rupees 50,000 and up to 5 lakh rupees, Tarun covering loans up to rupees 5 lakh and up to rupees 10 lakhs. There is no subsidy for the loan given under PMMY. Banks have been mandated by RBI not to insist for collateral security in the case of loans up to rupees 10 lakhs extended to the units in the MSME sector. To mitigate the issue of collateral and to provide comfort to the lending institutions, a credit guarantee fund is extended by creation of a fund called Credit Guarantee Fund for micro units. The scheme is being managed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited, an agency promoted by the Government of India. Mudra card is a debit card issued against the Mudra loan account. The borrower can make use of Mudra card in multiple drawals and credits so as to manage the working capital limit in cost efficient manner and keep the interest burden minimum. ठीक है इसमें about 68% का women beneficiaries हैं. Objective वही general वाला है financial inclusion. या फिनांस फ्रॉम द लास्ट माइल फिनांसर टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर के लिए
इंटेंडेड बेनिफिशियरी एनी इंडियन सिटीजन जिसका बिजनेस प्लान है बट नॉन फार्म सेक्टर होना चाहिए. तो तीन चार कैटेगरीज हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग या ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर. एंड लिमिट है, कैपिंग है जो वो है लेस देन रुपीज 10 लाख. और ठीक है, मुद्रा के बारे में बताया है. मुद्रा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर में है? एनी आइडिया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. ओके. मुद्रा इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये एनबीएफसी में भी रजिस्टर्ड है आरबीआई एक्ट के अंदर में. और इसको इसके कॉर्पस में सिडबी ने 100% का कैपिटल सिडबी के थ्रू प्रोवाइडेड है. एंड ठीक है, वो सेक्टर्स पुराने वाले ही थे. एंड फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम मुद्रा इज ऑफ टू टाइप्स. ये कोई समझा सकता है दोनों तरह के? माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर लोन्स अप टू 1 लाख एंड रीफाइनेंस स्कीम फॉर कमर्शियल बैंक्स. किसी को आइडिया है क्या इसका? ठीक है, मेरे ख्याल से ये वही है ना. एक वन इज डायरेक्टली गिविंग लोन्स, द अदर वन इज फाइनेंसिंग विद कमर्शियल बैंक्स ना. आई थिंक ये कमर्शियल बैंक रीफाइनेंसिंग स्कीम जो है वो बोल रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो आता है ना, कमर्शियल बैंक्स के लिए जो प्रोविजन होते हैं उनको रीफाइनेंस करेगा शायद. मेरे ख्याल से ये रीफाइनेंसिंग वही वाला है, पुराने लोन को नए लोन में कन्वर्ट करना, रीस्ट्रक्चरिंग वाला. नहीं, ये वो नहीं होता है. ये होता है कि कोई फंडिंग दे रहा है ऊपर वाला, ठीक है, मतलब कि ये मुद्रा हमारा फंडिंग देगा नीचे वालों को, जो बैंक नहीं होती है, बैंक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिर ये लोग आगे लोन देते हैं. तो ये होता है इसका कुछ रीस्ट्रक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट, मैंने सुना नहीं है. मतलब कुछ ऐसा है कि कोई अगर कोई लोन लेने जाएगा तो अपन बैंक से लोन लेंगे, उस बैंक को रीफाइनेंस मुद्रा कंपनी करेगी. वो जो मुद्रा फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड बनाया है ना ऊपर, तो वो रीफाइनेंस करेगी कमर्शियल बैंक को और जो भी आरआरबीज हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक. आई थिंक विजय सेड कि मुद्रा इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हां वो तो अच्छा ठीक है, तो सारा उसी में होगा. ओके, लग रहा था मेरे को भी वही लग रहा. ऑलराइट, ठीक है. ऑथोराइज कैपिटल 5,000 करोड़ है और इसमें तीन तरह के लोन्स दिए जाएंगे, शिशु जो कि 50,000 तक का है, और किशोर 5 लाख, तरुण 10 लाख, और कोई सब्सिडी नहीं है फॉर द लोन. और फिर और लोन्स की लिमिट हमने पहले ही पढ़ी थी 10 लाख है, बस वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के लिए. इसमें मुद्रा डेबिट कार्ड्स की थे शायद से, हाँ मुद्रा कार्ड दिया जाएगा जो कि डेबिट कार्ड की तरह वर्क करेगा. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना. रिसेंटली द स्कीम कंप्लीटेड 5 years. द सब्सक्राइबर्स वुड रिसीव द फिक्स्ड मिनिमम पेंशन एट द एज ऑफ 60 years डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. इंटेंडेड बेनिफिशियरी इज इट इज ओपन टू ऑल इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 18 and 40 हैविंग अ सेविंग बैंक अकाउंट in a bank or post office. It is mainly focused on citizens in unorganized sector. Salient features are it replaced the Swavalamban scheme. The minimum period of contribution by any subscriber under Atal Pension Yojana is 20 years. Subscribers can make contributions to Atal Pension Yojana on monthly, quarterly, half yearly basis. Subscribers would receive the guaranteed minimum monthly pension of rupees 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 at the age of 60 years. Central government's co-contribution is 50% of the total contribution or rupees 1,000 per annum, whichever is lower, for a period of 5 years. The co-contribution could be availed only by the subscribers who have joined Atal Pension Yojana between 1 June 2015 and 31st March 2016, or who are not covered by any statutory social security schemes, who are not income tax payers.
Subscribers can voluntarily exit before the age of 60 years from Atal Pension Yojana, subject to certain conditions on deduction of government co-contribution and return interest thereon. In case of premature death of subscriber, that is death before 60 years of age, spouse of the subscriber can continue contribution to Atal Pension Yojana account of the subscriber for the remaining vesting period till the original subscriber would have attained the age of 60 years. In case of death of subscriber, the spouse of the subscriber shall be entitled for the same amount of pension till his or her death. After the death of both the subscriber and the spouse, the nominee of the subscriber shall be entitled to receive the pension wealth as accumulated till age of 60 years of the subscriber. It is administered by the PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority. The institution architecture of National Payment Pension Scheme would be utilized to enroll subscribers under Atal Pension Yojana. Okay. यहाँ पे मिनिमम पेंशन मिलेगी अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स और जिसको भी मतलब बेनिफिशियरीज जो हैं 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए है ये और उसमें दो आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड इट इज मेनली इसका फोकस होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और इसने इस स्कीम ने रिप्लेस किया है स्वावलंबन स्कीम इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है द मिनिमम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एनी आपको 20 साल तक के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा और आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मंथली चाहे दे या क्वार्टरली दे या हर 6 महीने पे दे और सब्सक्राइबर्स को रिसीव द गारंटी आपको मिनिमम पेंशन मिल सकती है 3-4 उसमें 1000 की 2000 की 3000 की जो कि डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पर और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर जैसे जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसका 50% या 1000 मतलब 1000 से ज़्यादा नहीं देंगे विच एवर इज लोअर 5 साल तक के लिए और इसमें सिर्फ 3 लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो कि 2015 या 16 में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा या जिन्हें कहीं और फ़ायदा नहीं मिल रहा है किसी और स्कीम में या जो टैक्स नहीं पे करते हैं और अगर हमने सब्सक्राइब किया है तो हम अपने मन से कभी भी निकल सकते हैं इस स्कीम से हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है और अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो पैसा कहीं जाएगा नहीं फिर स्पाउस उसको मतलब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है एंड बाद में उन्हें पेंशन मिलेगा एंड अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होगा उसको मिलेगा और इससे सारा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पीएफआरडीए किसके अंडर में ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही होगा इसमें एक चीज़ ये है शायद से व्यय वंदन योजना में हमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मिलता था यहाँ पे सब कुछ मिलेगा एक जो डिफरेंस मुझे दोनों से लगा ठीक है और इसमें कंटिन्यू कर सकता है व्यय वंदना में वो कंटिन्यू नहीं कर सकता आई थिंक हाँ उसमें शायद से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा था फिर वो पेंशन वाला ऐसा कुछ नहीं था मेरे ख्याल से हम सब फाइनेंस वाला ही पढ़े तो सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में होंगी ना ये सारी जितनी फाइनेंस की स्कीम्स हैं तो कुछ एक्सेप्शन नहीं था मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है ऐसा कुछ नहीं था फाइनेंस ठीक है नहीं वो तो उसने उसका रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी होगा ताकि आरबीआई भी थोड़ा कंट्रोल करे उस पे एनबीएफसी पे स्पेशली जब वो वाला प्रोविजन वो अलग है ठीक है प्रधानमंत्री जनधन योजना रिसेंटली प्रधानमंत्री जनधन योजना
सरकार बता रहा है कि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सरकार दे रही है, सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। रिसेंटली मिनिस्ट्री हैज़ इन्फॉर्म्ड द प्रधानमंत्री पीएम जनधन योजना हैज़ प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन। बाय फेबर 2021 23.21 करोड़ अकाउंट आउट ऑफ टोटल 41.93 अकाउंट ओपन अंडर द स्कीम बिलोंग टू द वुमेन। नीचे करना होल्डर्स वीमेन होल्डर्स, तो बताता है कि मतलब आउट ऑफ 41.93 करोड़ से 23.21 मतलब कि मोर देन 50% वीमेन के अकाउंट है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट एंश्योर्स एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच। ठीक है, इसके इंटेंडेड बेनिफिशरीज की बात करें तो persons not having any other account, जिसके पास कोई भी अकाउंट नहीं है उसका नया अकाउंट खुलेगा PMJDY के अंदर। ठीक है, फीचर्स की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इन टू फेसेस ऑन 28th of August 2014। ठीक है ओके, मतलब 4 साल के लिए स्टार्ट की थी ये 2014 में अगस्त में। फिर 2018 द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड विद न्यू फीचर्स। 2018 में इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले जैसे कि इट इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बात है, अकाउंट्स खोलेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स रेमिटेंस क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर। ठीक है, ये सब फायदे होने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से जिसका भी अकाउंट खुलेगा। फिर अंडर द स्कीम ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विल बी ओपन इन एनी बैंक ब्रांच ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लाइक बैंक मित्र आउटलेट फॉर पर्सन्स नॉट हैविंग एनी अदर अकाउंट। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। वन बेसिक अकाउंट बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक पर्सन। ठीक है, जिसका कोई भी बैंक अनबैंक पर्सन की अकाउंट खुलेगा। सेकेंड, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस इन PMJDY। होता है ना कि अकाउंट के साथ आपको पैसा रखना होता है अदरवाइज बंद कर देंगे, इसमें फ्री होता है, कोई रखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है और नहीं है तो। सेकंड है, थर्ड है, इंटरेस्ट इज अर्न ऑन द डिपॉजिट इन PMJDY अकाउंट जो सेविंग अकाउंट पे होता ही है। फिर रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा इसके साथ साथ आपको, जिसका भी अकाउंट है उसको एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा रुपए का। थोड़ा तो नीचे करना था, हाँ ओके। फिर इसके साथ साथ जिस जिसका भी अकाउंट होगा उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा फॉर 1 लाख enhanced to 2 lakh rupees to new PMJDY accounts opened after 2018 is available with rupee card issued to the PMJDY account holders. ठीक है, एंड overdraft facility, overdraft मतलब कि आप कितना पैसा अकाउंट में नहीं है लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं। तो overdraft facility for 10,000 to eligible account holders is available, 10,000 तक आप overdraft कर सकते हैं। PMJDY accounts are eligible for DBT direct benefit transfer में आ सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसका PMJDY अकाउंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम। ठीक है, तो इसको समराइज करूँ तो इसके दो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव हैं कि थोड़ा ऊपर करना इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो अभी तो इसलिए न्यूज में था कि उन्होंने बताया, डाटा रिलीज किया है कि मोर देन 50% आपके व्यूमेन के अकाउंट्स हैं, तो व्यूमेन के आंसर में इसको डाल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, अच्छी बात है। सो ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका मेन ये था कि जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस कराना एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को मतलब वाइडर रीच पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। बेनिफिशियरी जिसका भी कोई अकाउंट नहीं है उसको मिलेगा खुलने का। उसके बाद साइलेंट फीचर्स के वही 4 साल के लिए बनाई थी लेकिन उसके बाद नई फीचर्स और ऐड करे। एक नेशनल मिशन चलाया था फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके अंडर इसको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, सेविंग डिपॉजिट रेमिटेंस क्रेडिट ये सब पेंशन अफोर्डेबल रेट पर। उसके बाद जो बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं, बैंक मित्रास पे खुलवा सकते हैं और कहीं भी खुलवा सकते हैं मतलब, और 5% हटाविंग एनी अदर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट क्या क्या है इसके, अकाउंट फॉर अनबैंक पर्सन जो कि पहले देख चुके हैं,
कोई जरूर मतलब मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई नीड नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर आपके पैसे हैं उसमें, तो रुपए कार्ड डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, उसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर मिलेगा फॉर 1 लाख एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 लाख फॉर न्यू जो भी अकाउंट खुलने वाले हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज में 10,000 की है और ये बाकी एलिजिबल हो जाएगा वो अकाउंट डीबीटी के लिए, जीवन ज्योति के लिए, सुरक्षा बीमा के लिए और अटल पेंशन और मुद्रा स्कीम सबके लिए। ठीक है, अगला होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आज हमने जो कि इकोनॉमिक्स के सेशन में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का देखा था। उसमें वो क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसके ऊपर कितना इंश्योरेंस था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था ना उसमें। 25,000 और 50,000 का था ना, एक हाँ डेथ। 50,000, हाँ 50,000 फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 25,000 फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। परमानेंट ठीक, ठीक है। उसमें 1.6 लाख का बढ़ा दिया बजट 2019 में कोलेट्रल फ्री लोन के लिए। ओके, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उसके बाद इंश्योरेंस स्कीम है फॉर हेल्थ वर्कर्स, फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। मतलब कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सेंटर्स में, उनके लिए है। मतलब प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स को हटा दिया है यहाँ से, उनके लिए नहीं है ऐसा। ऊपर करना था वो लाइन पढ़नी है एक और। हाँ तो ये क्या है, इसमें कौन कौन है, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेस, आशा वर्कर्स, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट एंड अदर हेल्थ वर्कर्स वुड बी कवर्ड फॉर स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम। मतलब ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें सब लोग कवर होंगे, बट देखने वाली ये इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होंगे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं होगा। इस बात के एनी हेल्थ प्रोफेशनल हु फाइल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स मीट विद सम एक्सीडेंट देन ही और शी वुड बी कंपनसेटेड विद अकाउंट ऑफ 50 लाख अंडर दिस स्कीम। तो कोई भी एक्सीडेंट में कुछ भी होता है तो 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा उन्हें, कॉम्पनसेशन मिलेगा। और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, हॉस्पिटल्स ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट, मतलब कि स्टेट का हो या फिर किसी या फिर सेंटर का हो, सब एलिजिबल है, वुड बी कवर्ड अंडर द स्कीम। अप्रोक्सीमेटली 22 लाख, 22 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। दे वुड बी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवर टू फाइट दिस पेंडेमिक। ठीक है, एक है नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या है कि इन 2021 द स्कीम हैज बीन री इंट्रोड्यूस फॉर 2 मंथ्स मई एंड जून इन बैकड्रॉप ऑफ री सर्जेंस ऑफ कोविड-19। जो फिर से लॉकडाउन लगा उसमें फिर से इन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट फेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2020 एंड सेकेंड फेज वॉज फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर 2020। इट वॉज लॉन्च टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट एंड पुअर्स हू फेस्ड हार्डशिप ऑन द अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन्स। तो इसके अंडर क्या क्या होगा, 5 kg ऑफ फ्री व्हीट और राइस पर मंथ, उसके साथ साथ 1 kg फ्री पल्सेस भी मिलेंगी वाया राशन शॉप। 280 करोड़ बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सही है। उसके बाद एडिशनल ग्रेन्स गिवन और फ्री अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू NFSA बेनिफिशरीज ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग मंथली एंटाइटलमेंट टू 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन। अच्छा, मतलब कि जो 5 kg ग्रेन पर पर्सन जो मिलता है NFSA के, उससे एक्स्ट्रा में है ये, मतलब उसके अंडर नहीं है, यही बोल रहे हैं ना। एडिशनल ग्रेन्स विल बी गिवन फ्री अंडर दिस टू NFSA व्हेन वी इज ओवर एंड अबव दी। हाँ सही बात है, जो NFSA में उनको 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन मिल रहा था, ये उससे एक्स्ट्रा में मिलने वाला है। कौन कौन सा, 5 kg फ्री व्हीट और राइस पर मंथ, यहाँ पर कोई चार्ज। NFSA में क्या होता है,
3-2-1 होता है ना समथिंग, वीट और राइस के लिए 3-2 रुपए को कुछ होता है, यहाँ पर फ्री मिलेगा आपको 5 किलो गेहूँ या चावल, उसके साथ साथ 1 किलो दाल। फूड ग्रेन्स अंडर एनएफएसए वुड टू बी मेड अवेलेबल एट सब्सिडाइज प्राइजेस, हाँ 3-2-1 फॉर राइस वीट एंड कोर्सिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम इज एंटायरली बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया है 2021 में, लॉकडाउन हुआ है 2 महीने के लिए थी। इसके अंदर क्या होता है, फ्री मिलता है क्या वीट या राइस इनमें से एक चीज़, और ऊपर से आपको चावल और क्या बोलते हैं दाल दाल मिलेगी 1 kg ऑफ पल्सेस, ये फ्री रहेगा एनएफएसए एडिशन में। और हाँ, और सारा जो भी कॉस्ट आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, थोड़ा नीचे करना, सब सही चल रहा है ना, मतलब बेनिफिट्स टू फार्मर्स। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2022 इन 2021 विल बी फ्रंट लोडेड एंड पेड इन अप्रैल 2020 इटसेल्फ अंडर द पीएम किसान योजना, इट वुड कवर 8.6 करोड़ फार्मर्स। तो पीएम किसान की बात करें क्या इधर, ये आगे चलूं क्या? ठीक है, कैश ट्रांसफर हेल्प टू पुअर अ टोटल ऑफ 20.40 करोड़, प्रधानमंत्री जन धन योजना वुमेन अकाउंट होल्डर्स वुड बी गिवन एन एक्सक्रेशन ऑफ 500 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अच्छा, जो पीएम जनधन अकाउंट वाली वुमेन है अकाउंट होल्डर्स, उनको 500 रुपीज मिलेंगे। तो कितने हैं वो, 20.40 करोड़ हैं ऐसी वुमेन अकाउंट होल्डर जिनको 500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ दिया जा रहा है पर मंथ। गैस सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट वुड बी प्रोवाइडेड टू 8 करोड़ फैमिलीज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हेल्प टू, ये कैश ट्रांसफर के लिए, हेल्प टू लो वेज अर्नर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या वेज अर्नर्स बिलो 15,000 पर मंथ इन बिजनेस वर्कर्स आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रपोजेस टू पे 24% ऑफ दिस मंथली वेजेस इनटू पीएफ पब्लिक फंड अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। दिस वुड प्रिवेंट डिस्टर्बेंस इन देयर एम्प्लॉयमेंट। Next, support for senior citizen over 60 years, widows and divyang. There are 3 crore aged widows, people in divyang category who are vulnerable due to economic disruptions caused by COVID-19. Government will give them ₹1,000 to tide over difficulties during next 3 months. ठीक है, divyang के लिए भी है। मनरेगा में क्या है, मनरेगा wages would be increased by ₹20 सिलेंडर जाएंगे, वुमेन्स के लिए 500 रुपीज गए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो इनका जॉब छोटा है उनके लिए गए हैं, और सीनियर सिटीजन विडोज दिव्यांग उनको उनको क्या मिला है, इसमें वो क्वालिटी का 1000 मिला है उन्हें। एक चीज पूछनी थी, इसमें जो क्वालिटी का डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर है 41, शायद से ओल्ड एज और सिक, और एक कौन से हैं, 3 लोगों को बेनिफिट्स के लिए बोला गया है, राइट टू वर्क, हाँ राइट टू वर्क, लेकिन 3 लोगों के लिए ना, ओल्ड एज के लिए है और सिक के लिए, तीसरा शायद विमेन है क्या, अनएम्प्लॉयड। ओके, वो यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं। यार आगे की कैरी ऑन कर लेगा, ठीक है मैं पढ़ लेता। ठीक है, तो नेक्स्ट वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप। Women organized 63 lakh self-help group support 6.85 crore household. Limit of collateral free lending would be increased from rupees
10 to 20 लाख, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई थिंक ये इनिशिएटिव लिया, ये जो कोलेटरल फ्री लैंडिंग मिलती थी उनको, दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20 लाख, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट अदर कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन विल बी अमेंडेड टू इंक्लूड पेंडेमिक एज अ रीजन टू अलाउ non-refundable advances of 75% of the amount or 3 months of the wages, okay, whichever is lower from their account. Families of 4 crore workers registered under EPF can take benefit of this window. तो जितने भी आई थिंक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास ये प्रोविडेंट फंड का एक वो बनाना जरूरी होता है अकाउंट, तो उसके अंदर जो पैसा जाता है इट इज मतलब इट इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साइड, दोनों के साइड से उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि आप पैसा कुछ सिचुएशंस में निकाल सकते हो, तो वो प्री डिफाइंड सिचुएशन है जब आप पैसा निकाल सकते हो, कि अगर आपको कोई ज्यादा बड़ा डिजीज हो गई थी, ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे तब निकाल सकते हो, या कोई घर बनाना है तब निकाल सकते हो, तो उसमें से एक आप राइट एक सेकेंड थोड़ा सा माइक डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे एंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। ठीक है, आई थिंक यस। अब ठीक है क्या? तो बेसिकली उस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के साइड से क्या हो गया? जब बोल रहे हो तब खड़खड़ खड़खड़ आ रहा है, किसी और को भी हो रहा है क्या? संजय डू वन थिंग। हां मेरे को भी आ रहा है। ट्राई टू पुट दैट माइक व्हिचएवर हैज माइक पीस नो पुट दैट असाइड, वो ईयर पीस अलग रख दो सो दैट इट वोंट मूव। Oh, sorry, you have to read, no? ठीक है, तो कहाँ थे? बिल्डिंग आ रहा है क्या? अब ठीक है? हाँ, अब बढ़िया, एकदम क्लियर। Yes। तो ये प्रोविडेंट फंड वाला देख लिया कि उसके अंदर पेंडेमिक भी अब एक रीजन डाल दिया। अर्लियर मतलब एक स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड कंडीशन होती थी, ओनली देन यू कैन टेक फंड आउट ऑफ दैट पीएफ अकाउंट, ठीक है। तो उसमें भी पेंडेमिक एक रीजन डाल दिया, टू अलाउ नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट और 3 months of the wages, whichever is lower, ठीक है। तो उन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उतना आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो पेंडेमिक में देखा था कई लोगों की जॉब चली गई थी या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी सही नहीं थी, उनको हेल्प करने के लिए एक स्टेप था। देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड। तो वेलफेयर फंड फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैज बीन क्रिएटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर आर अराउंड 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स इन द फंड। State government will be given direction to utilize this fund, provide assistance and support to these workers to protect them against economic disruption. So I think labor is a concurrent subject hai. State भी law बना सकता है, center भी law बना सकता है। तो ये जो fund है, I think center के under है, और इस fund के through ही आगे states को direction दिया जाएंगे कि how they can utilize this fund to provide assistance. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। आई थिंक ये वाला जो फंड है हमने उसमें भी पढ़ा है, MMDR जो एक्ट है ना मिनरल के लिए जो एक्ट है, वहाँ पे मैंडेटरी है जहाँ पे भी माइनिंग होगा वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाना पड़ेगा। रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट विल आस्क टू यूटिलाइज अ फंड अवेलेबल अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑग्यूमेंटिंग द फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल टेस्टिंग screening and other requirements in connection with preventing the spread of COVID-19 pandemic as treating the patients affected with this pandemic. So, ये जो fund था earlier मतलब उसको बहुत restricted use था इसका, इतना ज़्यादा use नहीं कर सकते थे। It was for the welfare of the people in those districts जो कि जहाँ पे ये mining activity होती है, ठीक है। तो
अब इस फंड को एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर दिया गया टू डील विद द कोविड-19, यानी जो मेडिकल टेस्ट चाहिए, मेडिकल टेस्टिंग डिवाइसेज या स्क्रीनिंग डिवाइसेज चाहिए होंगे एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट के, तो उस फंड को यूज किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एथिक्स। दीप्ति एक बार वो ग्रुप वाला खोल दोगे पीडीएफ? वैसे आज जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़े ना स्कीम में, तो उसके रूल्स देखना, देख लो यार 2 मिनट में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यार काफी ज्यादा, कल देख लेंगे उसको। चलो तो बेटी ओके, केस स्टडी का टाइम हो गया अभी तो। केस स्टडी आई थिंक आई हैव नॉट डाउनलोडेड इट, आई विल हैव टू डाउनलोड। टेलीग्राम में है ना, जस्ट दिखा दो टेलीग्राम, दिख रहा है आपके इसमें पोस्टेड कहाँ पे, वो चैनल पे पोस्टेड है क्या? हाँ 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 चैनल, मैं कर रहा हूँ एक सेकंड, एक बार टैग कर दे तो। Can you see that? आज का केस स्टडी ना दीप्ति, आर यू शेयरिंग द स्क्रीन और शुड आई? ओह इट्स नॉट, जस्ट अ सेक, होल्ड ऑन। इन दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। ऑल राइट, कौन पढ़ रहा है इसको? अदिति जी आप पढ़ लोगे या अमेबल जिसे पढ़वाना है? बढ़ेगा अदिति, आपको पढ़ना तो आप पढ़ लो, नो इश्यूज, आप पढ़ लो, चलेगा, आपके लिए वोट्स ज्यादा है। अरे ऐसे Case study 1, you are working as an executive engineer in the construction cell of a municipal corporation and are presently in charge of the construction of a flyover. There are 2 junior engineers under you who have the responsibility of day-to-day inspection of the site and are